सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइस, आज एक और बहुत ही खूबसूरत सा मैं आपके लिए दो फंदों का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप इसे किड्स और लेडीज़ कार्डिगन में बनाएं, हाफ लेडीज़ हाफ कार्डिगन में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। चलिए देखते हैं ये किस तरह से बनाया जाएगा। टू कलर का है, एक कलर में भी आप इसे बना सकते हो। देखिए, जब आप अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे तो आपने क्या करना है, दूसरा कलर लगाना है। ये पहला फंदा हमारा एक्स्ट्रा है। अब देखिए, इन दो फंदों के बीच से ये यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये यहाँ पर इस, यहाँ इस जगह से आप ये यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सिलाई को डालेंगे और नीचे से एक फंदा निकालेंगे इस तरह से, और फिर आप ये दो फंदे बुनाई कर देंगे, सीधे बुनाई कर देने हैं। इन दोनों को बुनाई करने के बाद आपने ये वाला फंदा जो है, जो हमने नीचे से एक्स्ट्रा निकाला है, सिलाई के ऊपर से नीचे स्लिप कर देंगे। फिर दो फंदे हमें एकदम सादे बुनाई करने हैं, इन पर हमें इस डिज़ाइन के बाद डिज़ाइन बनाना है। अब फिर से देखिए, दो फंदे आए हैं, फिर से यहीं से हम सिलाई निकालेंगे। ये एक फंदा लिया हमने, इन दोनों को सीधा बुनाई किया, पूरी फर्स्ट रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब दो फंदे सादे बुनाई कर देंगे हम, फिर दो फंदों में से यहाँ से निकालेंगे, ये दोनों फंदे अब बुनाई कर देंगे, एक दो, और इस वाले फंदे को इस पर से स्लिप कर देंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा है, एक्स्ट्रा फंदा आपको ज़रूर रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी डिज़ाइन में आएगा। अब देखिए, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा था जिसको हमने एक्स्ट्रा रखा था, ये और ये दोनों फंदे वही हैं जिन पर हमने डिज़ाइन बनाया था। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हम ये सिलाई डालेंगे इस फंदे में यहाँ, और इस वाले फंदे को हम सिलाई से निकाल के निकाल देंगे, और इसको पहले लाएंगे और इस वाले फंदे को यहाँ डालकर बीच में लाएंगे हम। अब इसको हम उल्टा बुनाई कर देंगे, एक, ये वाला बीच में आ गया है। अब ये वाला फंदा हमें इधर लाना है, इस वाले एक फंदे को हमें यहाँ बीच में लाना है। ये दोनों फंदे इधर उधर कर देने हैं। तो देखिए, ये इस वाले फंदे को हमने आगे रखना है, तो आप पीछे से यहाँ से सिलाई डालेंगे, इस फंदे को निकालेंगे, और इस फंदे को पहले हम इस सिलाई में लेंगे, बाद में इस फंदे को। पूरी सेकंड रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी। देखिए, फिर से ये दो फंदे हैं जिन पर हमने वो फंदा स्लिप किया था, तो इस वाले फंदे को हम यहाँ लाएंगे और ये वाला दूसरा फंदा इधर पहुँचाना है। तो देखिए, इस बार हम आगे से सिलाई लेंगे, जब पहला फंदा हम ये बीच में लाएंगे, इस फंदे को निकाल देंगे, इसको इस सिलाई पर लेंगे, और ये वाला फंदा हम पहले बुनाई कर देंगे। अब ये दोनों बुनाई कर दिए, अब ये वाला फंदा हमें इधर लाना है और ये वाला फंदा इधर लाना है। तो अब यहाँ पीछे से सिलाई डालेंगे और इस फंदे को हम आगे निकाल लेंगे। देखिए, ये वाला फंदा हमने आगे किया, अब इसको इस सिलाई में लिया, इस वाले को भी यहाँ सिलाई में डाला, बीच में लिया। इन दोनों फंदों से देखिए डिज़ाइन बनेगा इस तरह से। अब देखिए, हमारे ये वाला फंदा हमें यहाँ बीच में लाना है, तो अब यहाँ से आगे से इस फंदे में सिलाई डाल लेंगे जिससे ये फंदा निकले नहीं, और इस फंदे को निकाल कर ये वाला फंदा हम पहले सिलाई में ले लेंगे। ये वाला फंदा पहले लेंगे सिलाई में, और इस फंदे को अब लेकर उल्टा बुनाई कर देंगे, एक दो। अब ये वाला फंदा हमें इधर पहुंचाना है, तो पहले इसको सिलाई में लेंगे और बाद में इस वाले को।
देखिए इसको भी बुनाई कर दिया और इस वाले फंदे को भी। देखिए इस तरह से हमारा एक डिज़ाइन बन गया है। अब हमें दो सिलाइयाँ, ये थर्ड रो है, इसे सीधी बनानी है दूसरे कलर से, क्रीम से। मैं ये सीधी सिलाई बना रही हूँ, यानी थर्ड रो है हमारी ये। देखिए थर्ड रो हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारी फोर्थ रो है, फोर्थ रो को भी हम इससे क्रीम से ही बनाएंगे। रॉन्ग साइड है, रॉन्ग ही बुनाई कर देंगे पूरी फोर्थ रो को। देखिए फोर्थ रो भी हमारी कंप्लीट हुई। अब हमारी रो फिफ्थ आई है, फिर से हम यही डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए अब की बार जो है हमारा ये डिज़ाइन इन दो फंदों पर बनेगा। ये जो दो फंदे हमने सीधे बुने थे उन पर ये डिज़ाइन बनाना है हमें। तो ये शुरू में तीन फंदे बच रहे हैं, तीनों को हम सीधा बुनाई कर देंगे। सीधा बुनाई किया, अब ये दो फंदे हैं इन पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसे पहले हम यहाँ से सिलाई निकाल कर एक फंदा लेंगे। ये फंदा लिया हमने, इन दो को बुनाई करना है सीधा। ये वाला फंदा इस पर से नीचे स्लिप करना है दोनों से, फिर दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। अगली बार इन दो पर ये डिज़ाइन बनेगा, जिस तरह से एक बार इस दो पर बनेगा जिस पर मैंने पहला बनाया है, एक बार दूसरे दो पर बनेगा। बस इतना ध्यान आपने रखना है। इस फंदे को स्लिप किया, अब ये लास्ट में भी तीन फंदे हैं, इन तीनों को सीधा बुनाई कर देंगे। देखिए फिर से उसी तरह से फंदे पलट कर बनाएंगे। ये दो फंदे जब हमारे डिज़ाइन वाले यहाँ पर आएंगे, पहले हम ये दो फंदे एक्स्ट्रा हैं तो इन दोनों को बुनाई कर लें। अब ये देखिए ये वाला है जिस पर से हमने धागा स्लिप किया है, ये दो फंदे हैं, तो इस फंदे को हमें इस फंदे से इधर लाना है। तो देखिए इसको इस सिलाई में लिया, इस फंदे को यहाँ से निकाल कर पहले लिया और बाद में इस फंदे को डालना है। अब ये वाला फंदा हमें इधर पहुंचाना है, इस फंदे को इधर लाना है। तो अब इसे आगे से डालेंगे और इसको यहाँ से इन दोनों फंदों के बीच में इधर आधर से एक एक फंदा लेकर बीच में कर देना है। देखिए फिर से ये दो फंदे हैं हमारे, इस फंदे को निकाला पीछे, अब इस फंदे को इधर लाना है। तो इन दोनों को निकाल दो सिलाई से, पहले ये फंदा लेंगे हम बीच में। देखिए ये वाला फंदा इधर ले आए, अब ये दो फंदे सादे हैं हमारे, इनको बुनाई किया। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। देखिए ये दो डिज़ाइन बन गए हैं। बस अब फिर से हमने ये दो फंदे जो है हमारे, ये दो सिलाइयाँ फिर से ये क्रीम की बनाएंगे हम, एक डिज़ाइन कम्प्लीट होने के बाद। बस ये दो सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर से आप उन्हीं पहले दो फंदों पर बनाएंगे, जिस तरह से पहले वाला डिज़ाइन बनाया था हमने एक एक्स्ट्रा बुनने के बाद। एक बार इन दो पर बनता है, एक बार अगले दो पर। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा और बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है। आप इसे किड्स कार्डिगन, हाफ लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर में बना सकते हैं। देखिए गाइज अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट्स भी करें कैसा लगा मेरा डिज़ाइन। एंड नेक्स्ट वीडियो आने तक।